एक वक्त की बात है, दूर एक देश में एक राजकुमार रहता था। राजकुमार एक ऐसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था जो एक असली राजकुमारी हो। तो राजकुमार अपनी असली राजकुमारी ढूंढने निकला। राजकुमार एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश जाता रहा, फिरता रहा, लेकिन उसे कोई भी राजकुमारी अच्छी नहीं लगी। और कोई कैसे बताए कि राजकुमारी नकली है या असली, ये पता करना तो नामुमकिन था। राजकुमार बेचारा कई साल कुंवारा ही बैठा रहा। एक रात क्षेत्र में भयानक सा तूफान आया, जोरों की बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और बादल ये जोरों से गरजने लगे। ऐसे माहौल में आधी रात को किसी ने महल का दरवाजा खटखटाया। जब रानी ने दरवाजा खोला तब उसने देखा कि बाहर एक लड़की सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से भीगी हुई खड़ी थी। उसके बाल और कपड़े मैले हो गए थे। रानी को देखकर लड़की ने कहा, जी क्षमा कीजिए, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, रानी ने जवाब देते हुए पूछा, लेकिन तुम हो कौन? जी मैं एक राजकुमारी हूँ, लड़की ने जवाब दिया। ये सुनकर रानी के दिल में लड्डू फूटने लगे। एक राजकुमारी और वो भी महल के चौखट पर? लेकिन ये कैसे पता किया जाए कि राजकुमारी असली है या नकली? तभी रानी को एक आइडिया आया। रानी गेस्ट रूम में गई और नौकरों से बेड पर एक मटर का दाना रखवाया और फिर उसके ऊपर 20 मैट्रेसेस एक के ऊपर एक रखवाए और फिर उनके ऊपर 20 ब्लैंकेट्स एक के ऊपर एक भी रखवाए। तब जाकर रानी ने लड़की से कहा, आओ बेटी, आज रात तुम इस बिस्तर पर सो जाओ। रात गुजरी। सुबह होने पर जब लड़की कमरे से बाहर आई तब रानी ने लड़की से कहा, गुड मॉर्निंग बेटी, कैसी गुजरी रात? बहुत ही खराब, लड़की ने कहा, मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाई। वो कैसे? रानी ने पूछा। मुझे सारी रात कोई राउंड सी चीज चुभ रही थी, लड़की ने जवाब दिया। तब जाकर रानी को पता चला कि ये लड़की एक असली राजकुमारी है, क्योंकि सिर्फ एक राजकुमारी ही इतनी नाजुक हो सकती है कि उसे 20 मैट्रेसेस और 20 ब्लैंकेट्स के नीचे रखा हुआ एक छोटा सा मटर का दाना चुभ सकता है। राजकुमार की शादी राजकुमारी से बड़ी धूमधाम से हुई और दोनों ने अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी साथ बिताई।